दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके के लेक्चर नंबर 13 पे। लेक्चर 13 है हरियाणा जीके का। 12 लेक्चर ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, काफी बच्चों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर के, हरियाणा जीके लेक्चर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसी वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएंगे और आपको पूरे के पूरे चैनल के ऊपर सारे के सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। हरियाणा के अंदर जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, चाहे एसटेट का हो, हरियाणा पुलिस का हो, डी ग्रुप का हो, या एचसीएस का हो, नायब तहसीलदार से जैसे एग्जाम हो, या पंचायत सेक्रेटरी वगैरह, यानी हरियाणा स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं, हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। लेकिन अगर आपको किसी स्टेट का कोई एग्जाम देना है तो स्टेट की जीके या उसका कल्चर आपको आना जरूरी होता है। और आज इस लेक्चर में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। इसी तरीके के मैंने पहले भी आपसे प्रॉमिस किया था कि लगभग 30 लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हरियाणा को लेकर होंगे। पिछली वीडियो में कंप्लीट गुड़गांव को डिस्कस किया गया है, उससे पहले पानीपत को डिस्कस किया गया है कि वहां से कौन से क्वेश्चन आते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लेंगे और पिछले सालों में आए गए क्वेश्चनों को भी देखेंगे। जिस साथी को हरियाणा जीके की हैंड रिटन बुक चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। जिसे पिछले 10 सालों में पूछे गए 550 क्वेश्चन चाहिए, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकता है। और उसी के साथ करते हैं आज की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? दोस्तों हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल, अच्छा आंसर बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। ये जो राज्यपाल होता है ना, जिसे इंग्लिश में गवर्नर कहा जाता है, सबसे पहली कंडीशन इसके यही होती है कि ये जिस राज्य का ये राज्यपाल होता है, ये उस राज्य का होता नहीं है। मतलब यानी जिस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा, वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन होती है। तो इसका मतलब हरियाणा का राज्यपाल जितने भी हुए हैं, उसमें से हरियाणा का कोई व्यक्ति तो होगा नहीं। इसलिए आमतौर पर कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए डालते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति हरियाणा का राज्यपाल रहा है, और उसमें हरियाणा के कई बड़े बड़े नेताओं के नाम डाल देंगे। चाहे चौधरी बंसी लाल है, देवी लाल है, भजन लाल है, और पुराने नेता हैं। बट यहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, अगर हरियाणा का राज्यपाल की बात वो करते हैं तो फिर किसी हरियाणा के व्यक्ति का नाम नहीं आना चाहिए। नेताओं के प्रति भक्ति अलग होती है और क्वेश्चन की सत्यता अलग होती है। तो एक तो ये कंडीशन इस पोस्ट के लिए देश में होती है। दूसरी चीज, राज्यपाल पे क्वेश्चन कौन से आते हैं वो एक बार देखते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है पहला राज्यपाल बताए, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान में बताइए, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पहली महिला राज्यपाल बताइए, चौथा क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि सबसे कम समय के लिए बताइए, फिर पूछ लेते हैं सबसे ज्यादा समय के लिए पूछ ले। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर होते हैं। हमारे यहाँ कौन से क्वेश्चन होंगे वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये कि हर टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ है लंबे समय तक राज्यपाल की बात। दोस्तों सबसे लंबे समय तक हरियाणा का राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, इसे शॉर्ट में वो लिखते हैं बीएन चक्रवर्ती। बीएन चक्रवर्ती हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहा है, जिनका कार्यकाल लगभग 10 साल का माना जाता है। और इनकी टाइमिंग अगर मुझे जहां तक ध्यान है, 15/9/1967 से 26 मार्च 1976 तक लगभग रही है। तो ये इनका लंबा कार्यकाल है। इसी तरीके से क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। अगर पहले राज्यपाल की बात करेंगे तो सिर्फ सिर्फ श्री धर्मवीर सिंह जी रहेंगे। महिला की बात करेंगे तो कोई महिला अभी तक हरियाणा के राज्यपाल नहीं बनी है। इस टाइप के क्वेश्चनों को थोड़ा सा आप देख लीजिए कीजिए। उसके बाद है हरियाणा में कोटला की पहाड़ियां कहां पर हैं? हरियाणा में कोटला की पहाड़ियां मेवात क्षेत्र में है। 73वां क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी FSI 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? दोस्तों FSI की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में वन आवरण काफी कम हुआ है, और कम होने की वजह बताऊंगा मैं आपको। पहले तो यह 1586 वर्ग किलोमीटर अभी वर्तमान में बताया जाता 13 की रिपोर्ट के अनुसार, यानी 1586 वर्ग किलोमीटर। और कितना प्रतिशत हुआ ये हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के, कितने प्रतिशत में वन आवरण हुआ, यानी परसेंट कितना है ये 1586 वर्ग किलोमीटर? ये लगभग 3.59, यानी 3.5 से आसपास ही है। और ये इतना कम है क्यों? इतना कम होने की एक वजह ये है दोस्तों, अगर वन क्षेत्र कम है तभी तो हरियाणा एग्रीकल्चर में टॉप है, इसकी वजह मानी जाती है ये। क्योंकि हरियाणा का जो क्षेत्र है ना, वो ज्यादातर मैदानी भाग है,
और उपजाऊ क्षेत्र है, नदियों नहरों के पानी की सुविधा है, नलकूप और ट्यूबवेल की सुविधा है, सूखाग्रस्त क्षेत्र कम है अगर हम दक्षिण हरियाणा को छोड़ देते हैं तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, एग्रीकल्चर हो सकता है, जहां एग्रीकल्चर होगा डेवलपमेंट होगा वहां लोग रहेंगे, ज्यादा जनसंख्या के अंदर लोग वहां पे उसकी तरफ पलायन करेंगे और बड़े बड़े शहर होंगे जिसकी वजह से ये वन क्षेत्रफल कम होता जाता है, जो किसी मायने में कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है, क्योंकि वनों से ही हमारा जीवन है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कंटिन्यू जो हो रही है उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। उसके बाद गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है दोस्तों? जीजेयू, कई बार इसको गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की बजाय वो जीजेयू लिख देते हैं। जीजेयू हरियाणा की ए ग्रेड की टेक्निकल और मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है जो आपके हिसार में स्थित है। उसके बाद है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है दोस्तों? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय को कई बार वो CDLU पूछ लेते हैं, चौधरी सी से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, ये सिरसा जिले के अंदर है, जिसे सिरसा जिले में उस समय की इनोला सरकार ने उस समय बनवाया था, 2003-04 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI, इन शॉर्ट फॉर्मों को भी याद रखें, जरूरी नहीं कि हमेशा वो ये नाम देंगे, वो कभी कभी इतना भी दे सकते हैं तो आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। CSSRI सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, 1969 में। और कहां पर है ये क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि ये है कहां पर है CSSRI, तो फिर आपका आंसर होगा करनाल के अंदर। चाहे NDRI की बात हो चाहे CSSRI की बात हो तो आपका आंसर करनाल ही होता है। किस केंद्र शासित राज्य की सीमाओं से हरियाणा राज्य की सीमा टच करती है? नई दिल्ली आपका आंसर आ जाएगा, कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसको भारत, जिसको हरियाणा की जो सीमा है, दिल्ली को हरियाणा जो है वो तीन साइड से कवर करता है। उसके बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों आप सभी को पता है ज्योतिसर वही जगह है जहां पर गीता, भगवद गीता का ज्ञान दिया गया था महाभारत के युद्ध से एन पहले, जब श्री अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें ये ज्ञान दिया था कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या अधिकार है, क्या नहीं है, इन सारी चीजों का वर्णन आपको गीता से मिलता है, जो भारत के लिए पवित्र ग्रंथ की तरह काम करता है। तो आज के लेक्चर में ये कुछ टॉपिक्स थे जो चिलंदा क्वेश्चन आपको बार बार वो पूछ लेते हैं। उसी के साथ साथ जिन भी साथियों को हर प्रकार के टीचिंग और दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए प्रिंटिंग नोट्स चाहिए वो ऑर्डर कर सकते हैं, बाय कोरियर ऑल इंडिया में सभी जगह आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। व्हाट्सएप का नंबर यही है, इसके ऊपर आप मैं एड्रेस सेंड करके ऑर्डर कर सकते हैं। और जिस साथी को सिर्फ PDF चाहिए या ई बुक चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से आप लोग उनको डाउनलोड कर सकते हैं। 550 क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और उसी के साथ साथ हरियाणा जीके की कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्टों को भी, चाहे पैडागोजी है, चाहे हिंदी है, चाहे मैथ की, यादव सर की, पवन यादव सर की हैंड रिटन नोट्स की नोट्स हैं, या फिर और कई सारी चीजें आपको मिलेंगी, आप वहां जाकर के उम्मीद है चेक करेंगे और पिछले लेक्चर को जरूर देखें, आने वाले लेक्चर का वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपको नई नई चीजें मिलती रहें।